हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हम बेबी सिंजा टोकन पे जो कुछ नया अपडेट निकल करके आ रहा है उसके बारे में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ सके। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है जिसके बारे में भी मुझे आप लोगों को बताना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि बेबी सिंजा जो टोकन है वो अपने सिंजेरियम ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जो नया अपडेट निकल करके आ रहा है दोस्तों, कि आप लोगों को पता होगा कि बेबी सिंजा जो है अपना ERC20 और BEP20 नेटवर्क पे काम कर रहा है। लेकिन एक जो नया अपडेट निकल करके आ रहा है जिसमें ये सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्द ये मैटिक पे भी दिखाई देने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप लोगों की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि BSC वेरीफाइड स्कैन में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे आप लोगों को BSC स्कैन पे, तो आप लोग देख सकते हो कि जो इनके होल्डरों की संख्या है वो इस समय 7000 के करीब में चल रही है, जो कि आप लोगों का प्री सेल में ही 7000 होल्डर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ERC वालों का यहाँ पर टाइमिंग खत्म हो चुका है, यानी कि अब ERC20 पर आप इसको बाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट निकल करके आ रही है BEP20 वालों के पास, वो आखिरी मौका चल रहा है। मात्र 6 घंटे का समय यहाँ पर बचा हुआ है, BEP20 नेटवर्क के लोग यहां पे अभी भी बाई कर सकते हैं। 6 घंटे का समय बचा हुआ है, ERC20 वालों के लिए यहां पे समय खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की अगर बात कर लेते हैं तो आप लोग यहां से टेलीग्राम और ट्विटर पे आप लोग यहां पे जा सकते हैं। तो हम लोग यहां पे ट्विटर हैंडल पे चलते हैं जहां पे आप देख सकते हो कि बेबी सिंजा के यहाँ पे जो होल्डर्स हैं वो फॉलोअर्स हैं वो 1051 के करीब में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट्स एंड रिप्लाइज में हम लोग जा करके यहाँ पे और ट्वीट्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे जो इनका गिव अवे चल रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था, और यहाँ पर जो इनके 7000 होल्डर्स कम्प्लीट हो चुके हैं वो अपना उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दे दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर 16 घंटे का आप लोगों का जब प्री सेल बचा हुआ था BEP20 नेटवर्क के लिए, यहाँ पर उसका अपडेट आ चुका है। आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम चलते हैं इनके टेलीग्राम पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाइन गीको पे और क्वाइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग के लिए इन्होंने जो है अप्रूवल लगा दिया था, और जो है यहाँ पे अभी भी वो लगा हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे ही उसका कोई अपडेट आता है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि जो आप लोगों को यहाँ पे पिंड मैसेज में देखने को मिल जाएगा, और आप लोगों को ये भी बताया हुआ था दोस्तों कि अगर आप लोगों में से कोई भी जो कि सिंजा टोकन्स के होल्डर्स हैं, केवल सिंजा टोकन्स के होल्डर्स हैं, वो लोग अगर इस ग्रुप में आकर के मैसेज करते हैं कि मैं सिंजा का होल्डर्स हूँ, तो आप लोगों को बेबी सिंजा टोकन्स फ्री में एयर ड्रॉप के तौर पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वाइन मार्केट कैप पर मैं आप लोगों को अपडेट करवा देता हूँ कि क्वाइन मार्केट कैप पर अभी कोई और सूचना नहीं आई है, जो है वो आप लोगों का यहाँ पर सामने ही है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्वाइन मार्केट कैप पे इन्होंने लिस्टिंग के लिए अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है, और यहां पे आप देख सकते हो क्वाइन गीको पे भी इन्होंने अपना रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप लोग यहां पे बाई करना चाहते हो इसको तो आप लोग किस तरीके से बाई करोगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बेबी सिंजा का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को सिंपली सा चले जाना है ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे DApps का एक ऑप्शन मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे DApps का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों को DApps में जाना और यहाँ पे सिंपली सा उस वेबसाइट को जो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी किया है इसे आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे इथेरियम का सिंबल दिखाई देता है तो दोस्तों इसे हटा करके आप लोगों को स्मार्ट चेन पे कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप स्मार्ट चेन पे कन्वर्ट करोगे इसके बाद से आप लोगों को नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को बाई BNB का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बाई BNB वाले पे क्लिक करना है तो आप लोग इस तरीके के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 4,22,00,000 के करीब में यहाँ पे टोकन यहाँ पे है जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे अगर आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 BNB में आप लोगों को इतने टोकन मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को खरीदना होता है तो आप लोग यहाँ पे डालोगे अपना BNB, मान लो कि 0.1 BNB का आप लोगों को खरीदना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को कितने टोकन मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे बाई कर लेते हो तो, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको फिल करने के बाद तो ध्यान रहे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे BNB होनी चाहिए आप लोगों के पास। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाले प्री सेल में भी यहाँ पे लगभग 6.5 BNB यहाँ पे रेज हो चुका है। ठीक, आगे की बात अगर आप लोगों को बताएं तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं मैंने आप लोगों को सारी अपडेट्स दे दी है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग इसमें लास्ट 6 घंटे बचे हुए हैं, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे प्री सेल में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, यहाँ
पे लगभग 7,000 होल्डर्स क्रॉस हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लोगों का फेथ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे लोग इसको बाय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि होल्डर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।